डॉक्टर तिलक हीलिंग हैंड इंटरनेशनल के इस अंक में आपका सादर अभिवादन करता हूँ। इस अंक में हम बात करेंगे बच्चों में होने वाली मनोवैज्ञानिक समस्याओं के बारे में। दरहकीकत सभी बच्चे लगभग एक जैसी जैविक शक्तियों और प्रवाहों के साथ में जन्म लेते हैं, ये इंस्टिंक्चुअल है, लेकिन उनकी परवरिश उनके अंदर धीरे धीरे नए रंग भरती है। वो अपने वातावरण में जो भी नियरेस्ट रोल मॉडल होता है वो उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। जो सूचनाएं और माहौल उन्हें दिखाई देता है धीरे धीरे वो उसे सही समझते हैं, उनका वैल्यू सिस्टम इसी ढंग से डेवलप करता है। जैसे अलग अलग वाद्यों में आवाज़ें तो अलग होती हैं, लेकिन संगीत के वो सात स्वर जिन्हें हम सप्तक कहते हैं वो एक ही होता है, सा रे गा मा पा धा नी सा, वो फ्रीक्वेंसीज एक ही होती हैं। इसका नतीजा ये है कि भिन्नता के बावजूद भी अलग अलग बच्चों में एक रूपता मौजूद रहती है और उनके सीखने के लर्निंग के प्रिंसिपल्स, उनके सामने उपस्थित मॉडल का जो व्यवहार है, जो उसकी दिनचर्या है, वो उनके जीवन मूल्य, उनका आचरण और उनकी जो गतिविधियां हैं उसके लिए एक खाके का काम करती है। सिद्धांत भी वही है कि अगर तारों को बहुत ज़्यादा कसा जाए तो वो टूट जाते हैं, और अगर ढीला छोड़ दिया जाए तो फिर स्वर साफ और स्पष्ट नहीं मिलता है। किसी फ्रीक्वेंसी पे कोई दूसरी फ्रीक्वेंसी मिलने लगती है। बच्चों के अनुशासन के बारे में भी हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम न कसाई बहुत ज़्यादा कर दें और ना ही उनको बिल्कुल ढीला छोड़ दें, जो बीच का मध्यमान है वही उनके लिए उचित दृष्टिकोण हो सकता है। और इस बात पे पूरा परिवार सहमत होना चाहिए, यदि माँ या पिता में कोई जना कोई निर्णय करता है तो उस परिवार के दूसरे लोगों को उसमें दखल नहीं देना चाहिए। बाबा दादी ने नाना नानी ने अपने बच्चे पाल लिए, बड़े कर दिए, अब ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को एक विकसित स्वरूप तक ले जाएं। और अगर ऐसा आप नहीं करते तो घर में एक द्वंद्व का माहौल बन जाता है, अनुशासनहीनता का एक माहौल बन जाता है, और फिर बच्चा धीरे धीरे इसका लाभ लेने लगता है। माँ कुछ करने के लिए कहती है तो वो उससे कहता है मैं जाके दादी से शिकायत कर दूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, और दौड़ के बाबा के पास चला जाता है। ये ध्यान रखना है। ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो बच्चों को अनुशासित करते समय, और अनुशासन अगर सामाजिक व्यवस्था में आपको रहना है और सामाजिक व्यवस्था की बुनियादी इकाई परिवार है तो हमें अनुशासन सीखना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे विदा लेता हूँ।